हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11 और 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का कोर्स हम करेंगे आपके साथ यहां आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कोर्स को फिनिश कर चुके हैं और हम आपको सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो आज सीबीएसई का सैंपल पेपर है और वो हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। चलिए काम शुरू करें। आरटी एकेडमी आपके लिए सैंपल पेपर्स लेके आ रहा है। पहला सेक्शन हमें पता है कि एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स का रहता है, तो सेक्शन ए में हम आते हैं और एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चल देखो, हाँ काम शुरू करते हैं। कंसीडर अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट, इन विच द यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम। ठीक है, वो तो नॉर्मल है। यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 किलोमीटर and the unit of time is 10 seconds. In this new system, the unit of pressure is called lakhsab. कोई नया शब्द नहीं है, बस नाम दे दिया गया, nothing special. How many pascals are contained in 1 lakhsab? ठीक है, हम प्रेशर को देख लेते हैं जरा एक बार। इधर थोड़ा मैं इसको ठीक कर लूं after कुछ काम किया जाए। अगर मैं प्रेशर की बातें करूं तो प्रेशर का मतलब हमारे लिए निकल कर आएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए हम जानते हैं कि MLT-2 और एरिया के लिए हम जानते हैं कि L2 रहता है, तो प्रेशर की जो यूनिट्स होगी वो बन जाएंगी ML-1T-2। अगर हम लैक्सैप की बातें करें तो लैक्सैप का मतलब होगा मास का मतलब 1 किलोग्राम और लेंथ का मतलब होगा 100 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब हुआ 10^3 meters और अगर टाइम को देखें तो टाइम कितना है हमारे पास 10 seconds, तो हम कहेंगे कि 10 seconds ऐसे ही तो हुआ मेरे हिसाब से, तो यही कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और टाइम का शायद स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 3^2 7 बन जाएंगी। तो हमारे पास ये बन गया किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर बेसिकली -2, ये बनने वाला है 10^2, 10^3, 10^2 अगेन 2, तो ये मिला जुला के बन गया 10^7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -1 और यहाँ भी -1, और ये चीज जो होती है ये हमारे लिए पास्कल कहलाती है। तो 10^7 पास्कल हमारे लिए ठीक आंसर आ रहा है, तो हम 10^7 पास्कल पे टिक लगा देते हैं। सिंपल, चल इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कस फोर्स पहला ही दिख रहा है, इंटर एटॉमिक फोर्स वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की होती है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव है, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो, सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन द सरफेस हैज टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय। एक सॉलिड स्फीयर है जो कि एक सरफेस पर रोल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात, प्योर रोलिंग की बात है, हमारे कोर्स में प्योर रोलिंग ही एग्जांपल दिया गया है, प्योर रोलिंग के अलावा स्लाइडिंग कोर्स में नहीं। हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी ओमेगा से घूम रहा है और किसी वी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो वी की वैल्यू बेसिकली आर ओमेगा लिखी जा सकती है। अब जब आप बेटा आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो बेटा आप हाफ को हाफ रहने दें, एम वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, हाफ आई की जगह क्योंकि स्फीयर दिया हुआ है तो 2/5 एम आर स्क्वायर लगा दें और ओमेगा का मतलब होगा वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, यहां से एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे 10 एलसीएम आएगा, 5+2 आएगा, विच इज 7/10 एम वी स्क्वायर इज द आंसर। कहां है, कहां है, 7/10 एम वी स्क्वायर इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं और फिर अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, एक एल्युमिनियम वायर है और उसका कुछ यंग मॉडुलस दिया हुआ है, 37 प्रिंट हो गया है,
यंग मॉडुलस दिया हुआ है, कॉपर वायर है उसका भी यंग मॉडुलस दिया हुआ है, एल्यूमिनियम वायर की लेंथ 5 मीटर से, डायमीटर 3 एमएम का है और वो 40 किलोग्राम मास को सपोर्ट करता है। कह रहा है कि सेम इलोंगेशन जितना कि एल्यूमिनियम वायर में आया उतना ही इलोंगेशन अगर हमें कॉपर वायर में चाहिए जिसका यंग मॉडुलस कुछ अलग है, उसकी लेंथ भी उतनी है जितनी कि एल्यूमिनियम वायर की थी, तो डायमीटर कितना होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देख लें। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होगा F by A by delta L by L, ठीक है? तो इसे लिख सकते हैं F into L by A into delta L, ठीक है? यंग मॉडुलस को नीचे भेजो, A को ऊपर भेजो, A is F by L into यंग मॉडुलस into delta L, A की जगह लिखा जा सकता है pi d square by 4, ठीक? D for diameter, FL by यंग मॉडुलस times delta L, 4 और pi को नीचे भेज दें तो d की वैल्यू जो d स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो fl by delta l into 4 by pi और नीचे यहां पर आएगा बेटा यंग मॉडुलस। इस तरह से देखिए पूरे सवाल के अंदर ये बार-बार आपसे बोल रहा है कि जितनी फोर्स एल्युमिनियम वायर में दी गई उतना ही फोर्स इसे भी बैलेंस करना है, लेंथ दोनों की सेम लेनी, सेम इलोंगेशन चाहिए, 4 एंड पाई कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी चीज दोनों वायर्स के लिए बेटा सेम यानी कांस्टेंट एक ही दी गई, तो डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई, यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि हमें अगर डायामीटर चाहिए कॉपर वायर का डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ एल्युमिनियम वायर तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर। तो डायामीटर ऑफ कॉपर वायर इक्वल टू डायामीटर ऑफ एल्युमिनियम वायर इनटू यंग मॉडुलस एल्युमिनियम वायर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर। अब मैं इसकी कैलकुलेशन में बस नहीं जा रहा, आई डू नॉट थिंक कि इसके आगे डेसिमल तक सॉल्व करने चाहिए, चाहे तो आप एल्युमिनियम वायर का 3 mm का डायमीटर लगा लें और ये मॉडल्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करें तो 10 to power 10 वो कट जाएंगे और स्क्वायर रूट ओवर 7 बाय सम 12 आपके पास आंसर आएगा। ये डायमीटर ऑफ कॉपर होगा, आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 2.3 के आसपास का करेक्ट आंसर आएगा। चला ये इसका प्रोसीजर है, आप इसको सॉल्व करने मत जाइए, पहले देख लीजिए कि जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं दोनों के एक ही फंक्शन में उन्हें आप रेशियो में निपटाते हैं और फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी से अगर सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आपका आंसर 3 लाइन का है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर एक्चुअली छोटा है। चलिए देखिए, सपोज GE with the acceleration due to gravity at equator, GP with the same at pole, assuming Earth to be perfect sphere of radius RE, rotating about its own axis with angular speed omega, then GP minus GE is given by small g की value जो है, वो perfect sphere basically मानेंगे, तो उसमें rotation का case ही लोग लेने की कोशिश थोड़ी सी कर रहे हैं। तो हम अर्थ को स्फीयर बना लें, स्फीयर बनाने के बाद एक छोटा सा इक्वेटर बना लें और इक्वेटर पर रेडियस जो है उसको आर ई ही रखें क्योंकि रेडियस तो आर ई ही होती है। ठीक, हम यहां पर मान लें अपने आप को इस तरह से और ये रहा आपका एंगल लैम्डा, अगर आप लेना चाहो ये हम यहां पर सर्कल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एंगल भी लैम्डा होगा, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, तो ये होगा RE cos लैम्डा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही है, m v स्क्वायर, v की जगह लिखना चाहिए RE cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, समझना क्या आप लिख रहे हैं, इस बात को देखना कि जब हम यहां बैठे होते हैं तो हम पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सर्कल के बाहर की तरफ लगेगी और फॉर्मूला होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, पर एम आर ओमेगा स्क्वायर में मेरा जो मास है वो एम है और रेडियस मेरे सर्कल की आर कॉस लैम्डा है और ओमेगा तो साहब ओमेगा ही है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। रियल वेट यहां काम कर रहा है mg, इसका एक कंपोनेंट अगर तुम ये लैम्डा ले रहे हो तो ये भी लैम्डा लोगे तो यहां पे कॉस लैम्डा बन जाएगा कंपोनेंट एम आर ई cos स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। तो जो आपका g इफेक्टिव आएगा वो आएगा
एम जी माइनस एम आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ठीक है। अब अगर आप कहें कि इफ दिस लैम्डा इज जीरो, तो हम पहुंच गए बेटा इक्वेटर पे, जीरो का मतलब इक्वेटर पे। अच्छा कॉस लैम्डा, कॉस अगर लैम्डा जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो जो हमारे इक्वेटर का जी आएगा, एम तो काट ही लेना चाहिए, यहां पे बचेगा जी और यहां बचेगा शायद आर ई, ठीक एम से तो काट ही जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, एम काट लीजिए तो लिख बचेगा जी माइनस आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बचा ठीक है मेरी बात। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम पहुंच गए बेटा पोल पर, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 90 करोगे ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जो चीज बचेगी ये तो जी बचेगी सिर्फ हमारे पास। और तुमसे सवाल में पूछा गया है कि जीपी माइनस जीई क्या होगा, तो आप जीपी माइनस जीई लिखने की कोशिश करें, तो जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर, तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये जी से ये जी कट जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा प्लस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दिस वुड बी योर सुपर चार्मिंग आंसर, ठीक ये हो गया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल गैस है जो पी टी की पावर टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से एक्सपैंड कर रही है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशियंट क्या होगा, तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वुड बी, सबसे पहले गैस को एक्सपैंड कराने के लिए जो फॉर्मूला लिख कर दिया है वो लिख कर दिया है P इंटू टी की पावर टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक ये। और देखो फॉर्मूले में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, काफी सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपके पास अवेलेबल है। और ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऐसे एक्सपैंड करती है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये कहने की कोशिश करेगा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशियंट क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशियंट समझना क्या होता है, आप कितना वॉल्यूम में चेंज लाना चाहते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर में चेंज लाए, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है मेरी बात। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इनिशियल गामा डेल्टा टी, तो गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल टाइम्स डेल्टा टी, ये रहा आपके लिए। आप बेसिकली डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल डेल्टा टी निकालना चाहते हैं। pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहां पे p को गायब करना है, तो कैसे p को गायब करेंगे आपको ये विचार में लाना है, कैसे गायब करेंगे आप सोचिए, इसे आप कैसे गायब करेंगे अगर ये विचार में लाएं तो देखिए कैसे आएगा, आप pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट सोच पा रहे हैं, तो p1 t1 स्क्वायर इक्वल टू p2 t2 स्क्वायर रहेगा रहेगा, P1 upon P2 equal to T2 square upon T1 square, ये रहने वाला है। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। अब यहां से प्रेशर कैसे रिप्लेस करें, दैट इज अ बिग इशू, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, एकदम सिंपल सा सवाल है कि सवाल के इस गामा के पोर्शन में आपको कहीं प्रेशर नहीं है, ठीक, प्रेशर जो है वो मिसिंग है, पर आपको आपके क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वहां पे प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर को तो हटाना है, तो ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली नहीं है। आप इसे देखिए बेटा, इसे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रेशर इनटू टेम्परेचर की पावर बराबर कांस्टेंट है। आप कहें कि पीवी की वैल्यू क्या होती है, हम कहेंगे सर एनआरटी होती है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना सर, एनआरटी अपॉन पी, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, जवाब यहां लिखा, तो प्रेशर की जगह क्या डाल दे बेटा, एन आर टी बाय वी इनटू टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट डाल देना चाहिए, तो एन आर तो कांस्टेंट ही है उसको निकाल दो, तो टी की पावर 3 इनटू वी की पावर -1 बराबर कांस्टेंट। अब की बार जो हमारा खेल बन गया
उसी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम में, और टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ ही हमारे गामा का रिलेशन होता है। ये जो भी इक्वेशन, इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो आप सबसे पहले तो 3t की पावर 2 dt लिखोगे और v की पावर माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ दोगे तो v अपॉन में आ जाएगा माइनस। t की पावर 3 को ऐसे ही छोड़ोगे माइनस 1 बाहर आएगा, v की पावर माइनस 1 बराबर 0। तो ये बन गया बेटा 3t स्क्वायर बाई v इंटू dt, और माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस आपके लिए, जो भी चीज है वो तो वही बन जाएगी। और आपने लिखा t की पावर 3 बेटा यहाँ पे कॉमन, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा v की पावर बन गई माइनस 2, और v की पावर माइनस 2 का मतलब होगा कि v एक्चुअली चला जाएगा आपके लिए नीचे स्क्वायर बन के, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मुझे, और बाद में dv भी तो लिखना था तो dv लिखा हम लोगों ने, क्योंकि v की पावर माइनस 2 बनाएंगे तो dv लिखेंगे, ठीक है, अच्छी चीज। अब क्या करें, इधर उधर ले जाए, इधर उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो बेटा 3t स्क्वायर बाई v इंटू dt दैट इज इक्वल टू, आप इसे आगे ले जाएं, जब इधर ले जाएंगे तो क्या बनने वाला है देखें, माइनस t की पावर 3 dv अपॉन v स्क्वायर, यही तो v से v कट जाएगा आपके लिए और t स्क्वायर से t कट जाएगा आपके लिए, तो आपके लिए क्या बचेगा dv अपॉन dt अपॉन v, ये v यही रह गया, ठीक है ना, dv अपॉन dt इसको नीचे ले आए अपॉन v इक्वल टू माइनस 3 अपॉन t, ये बच रहा है। और आप देखें कि dv अपॉन dt इनटू v इज इक्वल टू दिस मच, तो आप इस साइन को भूल जाइए, आप सीधा सीधा कह दीजिए कि वो 3 by t है, कहीं 3 by t है, हाँ ए ऑप्शन में 3 by t अवेलेबल, ठीक। अगला देखें, which of the following is correct, none of these है, पहले BCD पढ़ लेना चाहिए फिर। टोटल हीट ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये देखने में सही है पर है गलत। अ थर्मोमीटर शुड हैव अ स्मॉल थर्मल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स अगर ज्यादा हीट लेकर एक्सपेंड करेगा तो सही या जल्दी आपको डेटा नहीं बता पाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। टू सोर्सेज आर एट इनफिनाइट या फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, दे एमिट साउंड्स ऑफ लैम्डा, एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड बिटवीन देम ऑन द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेज अप्रोचेस वन सोर्स विद स्पीड v, then the number of beats heard per second by the observer will be, beats का सवाल है basically, जो हम लोगों ने कर रखा है अभी कुछ टाइम पहले ही Doppler effect, उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा कोई source 1 है और यहाँ कोई source 2 है और दोनों ही same frequency generate करते हैं और यहाँ पर हमारा observer है, sound की speed को v0 बोल देते हैं और हमारा ऑब्जर्वर जो है वो v स्पीड से किसी एक को ऑब्जर्व करता है, ठीक। तो जो फ्रीक्वेंसी ये साउंड 2 की सुनेगा वो सुनेगा f0 v ऑफ साउंड माइनस माइनस प्लस v ऑफ ऑब्जर्वर, v ऑफ साउंड को v बोलना था, v माइनस माइनस प्लस v ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v ऑफ साउंड, क्योंकि फर्स्ट वाले से जो वो सुनेगा क्योंकि उससे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी v माइनस v नॉट अपॉन v, और बीट की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो दो फ्रीक्वेंसीज वो सुन रहा है उनका क्या डिफरेंस है, तो आप इनको माइनस कर दीजिए, तो आप लिखेंगे f नॉट अपॉन v, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा f नॉट v, अब तो दोनों में से कॉमन आएगा, तो हम लिखेंगे v प्लस v नॉट माइनस v माइनस माइनस प्लस v नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे लिए आता है आंसर f नॉट बाय v इनटू v नॉट इनटू 2, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो f नॉट अपॉन v इनटू 2 v नॉट, आप देखें ये बीट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। आप अगर f नॉट सोचें तो f नॉट क्या है, f नॉट का मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे सोर्सेस भेज रहे थे और वो होगा स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, आप यहां डाल दीजिए स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 2 v नॉट डिवाइडेड बाय v, v से v कैंसिल, तो 2 v नॉट बाय लैम्डा हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं 2 v नॉट अपॉन लैम्डा, b ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखें, w इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम v, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ बबल ऑफ 8v वॉल्यूम फ्रॉम द सेम सोप सॉल्यूशन, मतलब सरफेस टेंशन बेसिकली सेम बोलेंगे, नथिंग स्पेशल। चेक करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जब वॉल्यूम v था तो v के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस थी वो r थी, ठीक।
ठीक, तो V वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहा। आज की तारीख में मेरा वॉल्यूम 8V है, तो मेरे रेडियस कितनी है, आर प्राइम। तो 8V का क्या मतलब होगा, 8V का मतलब हुआ, या जो भी ये नया वॉल्यूम है इसको हम लिख सकते हैं 8 times 4/3 पाई आर क्यूब, पुराने वाले वॉल्यूम से 8 टाइम्स ज्यादा, या इसको सिंपली आर प्राइम के टर्म में लिखें, 4/3 पाई आर प्राइम का क्यूब। तो आप देखेंगे कि 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो 8r क्यूब की जगह जो होगा वो r प्राइम का क्यूब लिखा होगा, यानी r प्राइम की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर होगी, डबल हो जाएगी रेडियस, एंड दैट्स वेरी सिंपल। अच्छी बात, अब क्या करें, अब रेडियस तो पता चल गई, पुराना वाला सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया है 4πr², इसमें सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसे आप बंकन बोले, ठीक, अच्छी बात। नया वाला सरफेस एरिया देखो 4π 2r का होल स्क्वायर, सरफेस टेंशन वही है, इसे आप नया वाला बंकन बोलेंगे, तो आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, जब बात कर दूं तो इसको क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग, 4πr² (t)(4)=w', और ये जो चीज है ये हमारा w है, तो w प्राइम बेसिकली बन जाएगा 4 times w, 4 गुना हमारी एनर्जी लगेगी। आए देखें पहले कितना था, पहले बंकन कितना था, w बंकन, तो आज कितना होगा, 4 times 4w बंकन, सिंपल। क्लास में कराया गया क्वेश्चन, सीधा पूछा गया ये, चले देखें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4 देन द टाइम पीरियड इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ समथिंग। देखें T1/T2² (r1/r2³)³, ये फॉर्मूला होता है, कह रहा है रेडियस को 4 के फैक्टर से चेंज किया गया है, 4 टाइम्स कर दे, तो T1/T2 = r1/r2³³, ये बनेगा, ठीक है मेरी बात, जवाब यहां, तो T1/T2 क्या बन रहा है, गौर से देखना, हम कह रहे हैं कि R2 का मतलब हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 4 times R1 है, हमने रेडियस बढ़ा दी है उसके, तो जब रेडियस बढ़ा दी है क्योंकि 4 के फैक्टर से चेंज किया है, तो या तो कुछ टाइम्स बढ़ जाएगा या उतने टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक, तो हमने इसको R1 लिखा, नीचे वाले को 4 times R1 लिखा और पावर लगा दी बेटा 3/2, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो जब तुम T की वैल्यू को देखो, T1/T2 को देखोगे तो लिखा होगा 1/4³³, तो जब तुम T2 का रिजल्ट देखोगे तो लिखोगे T1/4³³, 3/2 इज द फैक्टर, 4³³, नथिंग स्पेशल, ठीक, ये हो जाएगा, सॉल्व करें आंसर आएगा आपका, आगे बढ़े। 11 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, हटाए से AA प्राइम और BB प्राइम दो अलग इंडिपेंडेंट रॉड्स हैं जिनका मास सेम है, लेंथ सेम है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, they are joined to form across as this, moment of inertia about the bisector xx', ये xx prime जो बना हुआ है इससे क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो एक rod बना लेते हैं, आप इस axis के about our moment of inertia देखेंगे तो आपको दिखेगा ml² / 12 है, इसी प्रकार से ये rod जो होगी उसका भी moment of inertia बेटा ml² / 12 दिखाई देगा, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास आएगा, वो इन दोनों को जोड़ने पर ml² / 6 आएगा। अब आप दो सरफेस या दो एक्सेस बनाइए, एक ऐसी बेटा और एक ऐसी, आप इसे बोल दीजिए x और इसे बोल दीजिए y, तो आपको पता चलेगा कि दो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लग रही, x y प्लेन में है और z जो है वो प्लेन के बाहर, यानी कि ये वैल्यू ix + iy के बराबर है, और ix और iy आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिक है, यानी 2 times ix के बराबर है, यानी ix दोबारा से बन जाता है ml² / 12, ml² / 12 का ही आंसर है, ये ऑप्शन ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ें, a given volume of air at 17 degree celsius exerts a pressure of 870 mm of mercury, ठीक, वॉल्यूम फिक्स, the temperature at which the pressure becomes इतने mm of Lg, तो वही है कि volume fix कर दिया, गेलुसाइक लॉ लगा लो
नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है बेटा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे हम लिखते हैं कि 17 डिग्री सेल्सियस P1 upon T1 my fault equal to P2 upon T2। ये कॉन्सेप्ट पहली बार में हमारे पास जो प्रेशर है वो 870 mm of Fg, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तुरंत ही 273 से इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर रखा जाएगा। प्रेशर दूसरा वाला कितना है 1800 mm of Fg और टेम्परेचर यहाँ पे T2 का पता नहीं है, तो हमारा जो T2 निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 8 सेंटीमीटर। इन स्टील स्पीड का सीधा सा मतलब होगा एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2.53 किलोहर्ट्ज, तो बेसिकली 2530 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ अब अगर मैं कहूं कि एक लंबाई है एल और इसको बीच से क्लैंप किया गया, तो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में सीखा है नोट्स एंटी नोट्स में बीच से क्लैंप करने का मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा होगा। ये सिस्टम बनने का मतलब है कि शायद ये लैम्डा बाई 2 है जो पूरे रॉड की लंबाई के बराबर, तो लंबाई की लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 2L के बराबर, और 100 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ की वैल्यू 1 मीटर की, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 2 मीटर होगी। तो जस्ट चिपका दीजिए V = 2530 × 2, लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर निकल के आ रही है, योर आंसर वेलोसिटी। ठीक, तो ये थोड़ा सा नोट्स एंटी नोट्स का खेल था इसमें। चलो अगला सवाल देखो, जो भी इसमें से आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर टू कंटेनर्स ए, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर टू कंटेनर्स हैविंग ए एंड बी कंटेनिंग आइडेंटिकल गैसेस एट द सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम एंड सेम टेंपरेचर, द गैस इन कंटेनर ए इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली व्हाइल द गैस बी इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एडियाबेटिकली, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस बी टू द गैस इन ए। ठीक है, कह रहा है कि शुरुआत के प्रेशर्स दोनों के बराबर लिए गए, वॉल्यूम बराबर लिया गया, टेंपरेचर बराबर लिया गया, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है बेसिकली, आपको वाटर लॉस से हो ही जाएंगे। कह रहा है कि एक को आइसोथर्मली आधा कर दिया गया, एक को एडियाबेटिकली आधा किया गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लॉ हम लगा रहे हैं किसके लिए, ये लॉ हम लगा रहे हैं हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हम लिख रहे हैं P1V1 = P2V2। ठीक है, हम जानते हैं कि V2 को V1 by 2 कर दिया गया है, P1V1 = P2V1 by 2, कारण कंप्रेस किया गया है हाफ वॉल्यूम के, तो P1 से डबल हो जाएगा हमारा P2। ये है P2 की वैल्यू हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर हम जानते हैं कि PV = γ = constant, ये नजर आता है, तो यानी P1V1 की पावर γ = P2V2 की पावर γ, ऐसा बनना चाहिए। यहां से अगर हम P2 लिखें तो लिखेंगे P1 × V1 raised to γ / V2 raised to γ, हम P1 लिखें और इसको लिखें V1 upon V2 raised to γ, आप इसे P1 लिखें, ये P2 प्राइम लिख लेना चाहिए हमें यहाँ पर क्योंकि ये एडियाबेटिक के लिए है। ये V1 रहा, कह रहा है कि V2 की वैल्यू तो V1 upon 2 है क्योंकि हाफ तो कर ही दिया गया, तो 2 की पावर गामा बन गया, तो P1 × 2 raised to γ हमारे पास ये P2 की वैल्यू बची, P2 प्राइम है। तुम जानते हो कि जो P1 है ये P2 upon P2 रेशो निकालो, देखो क्या आ रहा है, P1 × 2 raised to γ / 2 × P1, P1 से P1 कैंसिल हुआ तो 2 raised to γ - 1, ये हमारा आंसर। क्लियर है मेरी बात, जवाब है, सस्ता सवाल हो गया, 2 raised to γ - 1, सी ऑप्शन करेक्ट। देखो क्या कह रहा है,
एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, जिसका रेडियस r है. इन इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज, एंगुलर मोमेंटम बताना है. एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फार्मूला होगा बेटा mvr, रेडियस है ये. अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. सर्कल में घूम रहा है तो m v स्क्वायर ओवर r सेंट्रीपेटल फोर्स होगी, जो मिलेगी किससे, धरती माता के अट्रैक्शन से. तो r से r कैंसिल होता है, अच्छा m से m भी कैंसिल होता है, तो v की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ओवर g m e ओवर r. तो बस डाल दीजिए यहां पर m into square root over g m e over r into r. साफ इसको अंदर ले जाइए तो आप लिखेंगे m square g m e into r. ये square के अंदर square बन के जाएगा, root के अंदर तो एक एक कट जाएंगे. आप value देखें m square g m into r की power 1 by 2, b option right है. ठीक, अगला देखें. Assertion: in uniform circular motion, acceleration is time dependent. बिल्कुल सही बात है. In uniform circular motion, tangential force acting on the body is time dependent. बिल्कुल गलत बात है. यानी A correct और R false. आगे देखिए. Assertion 17 में कह रहा है, spring balances show correct readings even after they had been used for very long time. गंदी बात. भाई spring खिंच जाएगी फिर क्या सही बताएगी? For using long time, spring balances lose their elastic strength. बिल्कुल correct बात है. इसी वजह से लंबे समय तक use करने के बाद spring balances सही readings नहीं देते. 18 देखो, dimensions of coefficient of viscosity is this ml minus 1 t minus 1. हाँ, ऐसा ही होगा. आप eta की value को अगर देखें तो आप लोगों को eta की value को इससे याद रखना चाहिए कि f equal to 6 pi eta rb. तो eta की value जो है वो बनेगी f upon rb. f को देखेंगे तो लिखेंगे ml t minus 2, नीचे radius है तो l ही लिखा जाएगा, ये l t minus 1 हो जाएगा. L से L cancel होगा, final result आएगा L T minus 1 T minus 1, perfect लिखा हुआ है. The coefficient of viscosity is the force acting per unit area per unit velocity gradient. हाँ, coefficient of viscosity कैसे देखो? Force का formula होता है eta A delta V by delta Z per minus लगा के. तो coefficient of viscosity क्या बन जाएगा? Coefficient of viscosity का formula बनेगा F by A into delta v by delta z. तो कह रहा है force per unit area per unit velocity gradient. बिल्कुल perfect बात बोल रहा है. a भी correct है, r भी correct है, और r a का answer निकाल कर दे सकता है. इसका मतलब a correct, r correct and r is the correct explanation of a. ठीक है, तो आप अभी तक देख पाए हैं कि CBSE के सवाल जो हैं वो overall IAC के question paper से थोड़े से logical ज्यादा है, लेकिन ये मत समझिएगा कि डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट तो सच में नहीं है. आगे देखिए, g की वैल्यू हम लोगों को 6.67 10 टू पावर माइनस 8 डायन सेंटीमीटर ग्राम स्क्वायर लिख के दिए, उसकी SI यूनिट्स चाहिए तो SI यूनिट्स कर लेते हैं. 6.67 10 टू पावर माइनस 8 ये लिखा हुआ है डायन, फिर लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हुआ है बेटा ग्राम का स्क्वायर. इसे अगर हम एसआई में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? ये क्वांटिटी ठीक ठीक ऐसे ही लिख रहे हैं, तो 10 टू पावर 5 माइनस 5 ये बन गया बेटा आपका न्यूटन, 10 टू पावर माइनस 4 ये बन गया बेटा आपका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय, और ग्राम की बजाय किलोग्राम करना है तो 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम स्क्वायर. तो 5, 4, 9, 3 शायद इनको आप सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी समथिंग लाइक 10 टू पावर माइनस 11, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं होगी. तो ये आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से कन्वर्जन हम लोगों को आया करता था, हम लोगों ने शुरुआत में सीखा भी. फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव की पहचान ये कि उसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, यानी फोर्स आपके पाथ और अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पहचानती है. अगर आप यहां चल रहे हैं तो फोर्स यहां लगेगी, और अगर आप यहां चल रहे हैं तो फोर्स यहां लगेगी. अगर फ्रिक्शन आपकी वेलोसिटी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है तो हम कहेंगे कि हां वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसे कोई एक फोर्स सेंटर नहीं है उसके पास, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगता बल्कि पार्टिकल के मोशन के हिसाब से वैरी करता है, यानी पाथ पर डिपेंडेंट है. इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2% मास ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, हाउ मच वुड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज.
इस सवाल को देखो बेटा कैसे करते हैं, ग्रेविटी का फॉर्मूला लेते हैं जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये दोनों साइड बेटा लॉग ले लें, तो लिखेंगे एल एन जी इक्वल टू एल एन जी प्लस एल एन एम ई माइनस टू टाइम्स एल एन आर ई। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे क्या, डी जी अपॉन जी इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, क्योंकि जी और एम में कोई चेंज नहीं आना है, माइनस टू डी आर ई अपॉन आर ई। तो मैं लिखता हूं डी जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस ही कर लेना चाहिए, एरर्स जो है वो हमेशा बढ़ेंगी ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बाकी जान देते हैं। डी आर ई अपॉन आर ई इंटू 100%, और अगर आप इस हिस्से को देखो तो ये परसेंटेज चेंज है बेटा रेडियस में, जो बोला गया है कि 2% का चेंज, 2% का चेंज, तो आपको डी जी अपॉन जी इंटू 100% में जो आंसर मिल रहा है वो 2 into 2 यानी कि बेसिकली 4% का चेंज मिल रहा है, तो आपका आंसर 4% है। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशन फोर्स की वही है कि सेंट्रल फोर्स है अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है वो हजारों किलोमीटर दूरी भी लग जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी, जैसे पहले बल्क मॉडल्स को डिफाइन करो, वो डिफाइन करोगे माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी, कुछ वॉल्यूम में कंप्रेशन लाने पर जो प्रेशर जनरेट करती है गैस या कोई भी फ्लूइड इन ऑर्डर टू अपोज द कंप्रेशन ऑफ द गैस, इसका उल्टा जो है वो बन जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द एक्सटेंट अप टू विच अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, राइट। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वी नो पी v equal to nRT बेटा, p equal to n by v into RT, number of moles को लिख सकते हो बेटा total mass upon molar mass into R into T by v। मैं यहाँ पर total mass और volume को एक साथ लेता हूँ और multiply में RT by molar mass लिख लेता हूँ, total mass upon volume तो density बनता है, तो pressure equal to density into RT by m naught, rho RT by m naught ये हो गया। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है when do the real gases obey more correctly the gas equation PV equal to nRT, प्रेशर को लो होना चाहिए और टेम्परेचर को हाई होना चाहिए, उस वक्त हमारी कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में एग्जॉस्टिवली देखा है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई चमत्कार। चलो आगे देखो, अगला देखो क्या है, the position of object along x axis is given by a plus bt square where a is something and b is something and t is the time measured in second, what is the velocity at t equal to 0 and t equal to 2 seconds, what is the average velocity between t equal to 0 and t equal to 4 seconds। कोई दिक्कत की बात नहीं, देखिए बेटा हमारी जो x की वैल्यू दे रखी है वो है a plus bt square, first of all इसे differentiate करें तो लिखेंगे dx upon dt जो कि वेलोसिटी के बराबर होगा इंस्टेंटेनियस, ए का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये बन गया 2bt, तो वेलोसिटी की जो जनरल फार्मूला है वो है 2bt। अगर हम वेलोसिटी को 0 सेकंड्स पे देखेंगे तो 0 ही मिलेगा, और वेलोसिटी को 2 सेकंड्स पे अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो हमें मिलेगा 2 into b into 2 दैट इज 4b, और b की वैल्यू 2.5 है, तो बन गया बेटा हमारे पास 10 meters per second, तो 0 meters per second and 10 meters per second ये हमारे answers। फिर वो कहेगा average velocity बताओ, तो आप सब जानते हैं कि average velocity का मतलब होता है 2 second पे हम कहाँ थे, 0 second पे हम कहाँ हैं, upon 2 second, तो 2 second पे हम कहाँ होंगे ये देख लें। तो जरा x at 2 निकालने की कोशिश करें, 8.5 plus 2.5 into t का square है तो वो 4 बन जाएगा, तो ये बन गया 18.5, और x 0 सेकंड पे कितना था तो वो था बेटा 8.5, क्योंकि t की वैल्यू 0 हो जाएगी। डिफरेंस निकालोगे तो v एवरेज में 18.5 में 8.5 जाएगा तो बेसिकली 10 बचेगा और आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज भी निकाल लिया बेटा आपने और इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज भी निकाल ली। चलो आगे देखो, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स से 50 न्यूटन की 30 किलोग्राम की बॉडी पर लग रही है जो कि 18 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसे कितनी देर में रोक लिया जाएगा, तो हम जानते हैं कि v equal to u plus at हमारा फॉर्मूला होता है। फाइनल स्पीड को 0 बोला जा रहा है, इनिशियल स्पीड 18 है, x
एक्सेलरेशन का मालूम नहीं, एक्सेलरेशन का मालूम है वो है एफ बाय एम, फोर्स अपॉन मास, टाइम का हमें नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एफ बाय एम इंटू टी इक्वल टू माइनस 18, ठीक है मेरी बात बिल्कुल सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो t की वैल्यू क्या बन गई माइनस 18 इंटू एम बाई एफ, आप देखें माइनस 18, अब माइनस का तो कोई लॉजिक बचता नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन अपने आप में नेगेटिव है, तो वी कैन पुट प्लस साइन हियर, मास बेटा 30 है और फोर्स बेटा 50 है, सबसे पहले तो इसे काट डालिए, तो आगे आपका 18 इंटू 3 बाय 5 सेकेंड इज योर आंसर करेक्ट, मेरे हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें What is a cyclic process? Cyclic process वो process है जिसमें गैस किसी एक स्टेट से चलती है, कई सारे स्टेट्स को होते हुए अपने इनिशियल स्टेट PVT कंडीशन को दोबारा अचीव करती है। What is change in internal energy of the system in cyclic process? देखो internal energy जो है वो अपने आप में एक स्टेट फंक्शन होती है, वो बात पे डिपेंड नहीं करती, और क्लोज चेन बोली जा रही है, क्लोज साइकिल बोली जा रही है, यानी कि इनिशियल PVT को दोबारा अचीव किया जा रहा है, PVT T को अचीव किया जा रहा है, और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है F by 2 NRT, टेम्परेचर पर ही सोलली डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो दोबारा से उसी कंडीशन को हम अचीव कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, जीरो। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू बी अमाउंट ऑफ 40.5 ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, किसी को एडियाबेटिकली हम लोग चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस, स्टेट चेंज कर रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, एडियाबेटिकली जा रहे हैं, तो 40.5 जूल ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम का मतलब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो गैस गर्म भी हो जाएगी। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया प्रोसेस व्हिच इन व्हिच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज 20.6 कैलोरी, हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लास्ट केस। चलो देखो बड़ा सिंपल है, मान लेते हैं कि हम किसी ए स्टेट पर थे और बी स्टेट पर पहुंचे, हम ए से बी गए बेटा एडियाबेटिकली, मेरे हिसाब से तो ये बात है, और सिस्टम एडियाबेटिकली है तो मेरे हिसाब से डी क्यू के बराबर जीरो रहा होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो तुम जानते हो कि डी डब्ल्यू प्लस डी यू इक्वल टू जीरो रहा होगा, dw on the system है, by the system नहीं है, और physics पढ़ रहे हैं, तो dw जो है वो negative रहा होगा, तो हम लिख लेते हैं minus dw equal to du, क्योंकि dw जो है वो minus minus plus 40.5 है जूल में, तो हमारा इतना internal energy बढ़ गया है, clear? यानी अगर a पर internal energy हमारी 0 थी, तो b पर हमारी internal energy 0.5 है, फिर कह रहा है कि b से हम वापस a गए किसी और process में, हमने कहा ठीक है, फिर कह रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 12.6 कैलोरी, तो यहां से यहां जाने में जो हीट एब्जॉर्ब की सिस्टम ने वो 12.6 कैलोरी की हीट एब्जॉर्ब की, अब 12.6 कैलोरी लिखा हुआ है और हमें कैलोरी पसंद नहीं है, तो 12.6 इनटू 4.2 जूल की ये हीट एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब की मतलब पॉजिटिव हो गया, तो सेकंड केस के लिए dq इक्वल टू du प्लस dw लगा दो भाई, ठीक, ये dq है और ये du है, और du तो तुम जानते हो दोनों प्रोसेस के बीच में 40.5 रहने वाला है, इतना ही इंटरनल चेंज आएगा। अच्छा देखो हम b से a जा रहे हैं तो पहले मेरी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और बाद में इंटरनल एनर्जी कम है, तो ये du नेगेटिव हो जाएगा, हम यहां देखते हैं नीचे, ये है 12.6 * 4.2 और यहां पे du क्योंकि नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 40.5 का वर्क डन भी हो गया, ये हुआ हमारा वर्क डन, इतना वर्क डन हमारी गैस सेकंड प्रोसेस में कर रही होगी, एकदम सिंपल सा सवाल है, आप स्टेट बना लीजिए, दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ये 12.6 और 4.2 को मल्टीप्लाई कर लेना, मैं इसको करने नहीं जा रहा हूं बस, ठीक है, इसको देख लेना बस एक बार। चलो अगला देखते हैं, 100 किलोग्राम की गन है, वो एक बॉल को फायर करती है जो 1 किलोग्राम का है, हॉरिजॉन्टल फायर करती है, क्लिप से जिसकी हाइट 500 मीटर है, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिप, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल ली, रिकॉइल वेलोसिटी तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालते थे, मतलब दो चैप्टर जोड़ दिए, एक प्रोजेक्टाइल जोड़ा और एक जोड़ दिया इन लोगों ने ये मोमेंटम कंजर्वेशन, अपना सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट,
तो ठीक है, 100 किलोग्राम की गन है, 1 किलोग्राम की बॉल है और बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, 500 मीटर की हमारी क्लिफ है। तो सबसे पहले क्लिफ बना लेनी चाहिए जो कि एक्चुअली 500 मीटर की है। जिस भी वेलोसिटी से फेंका गया उसे यू बोल देते हैं। अब ये यू नहीं पता है और ये जमीन पर गिर रहा है, कितनी दूर गिरा उसे भी देख लेते हैं। ये शायद कह रहा है कि 400 मीटर की डिस्टेंस पर गिर रहा है। अगर ये 400 मीटर की डिस्टेंस पे गिर रहा है तो ये रहा हमारा 400 मीटर की डिस्टेंस, ठीक, और 500 मीटर की हाइट थी, ठीक है, अच्छी बात है। ये 400 मीटर आप इसे बनाइए बेटा अपनी एक्स एक्सिस, इसे बनाइए बेटा अपनी वाई एक्सिस, जहां से छोड़ा वो ओरिजिन, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, जी को हम 10 पकड़ के चलेंगे। सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर सारा कमाल देखना, y एक्सिस के अंदर आप लगाएंगे बेटा sy इक्वल टू uy प्लस uyt प्लस हाफ ऑफ ay इनटू t स्क्वायर माइनस 500 हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 है, g की वैल्यू बेटा हमें -10 लेनी है और t का हमें अंदाजा नहीं है, तो ये रहा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल तो आया 100, t की वैल्यू आई 10 सेकंड। भाई साहब हम 10 सेकंड में नीचे गिर गए और इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, x की वेलोसिटी तो चेंज भी नहीं हो रही, जो रेंज है उसका फॉर्मूला है u into t, तो u का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, रेंज अपॉन टाइम, रेंज कितनी निकल के आई है 400, समय कितना लिया 10, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, बॉल की वेलोसिटी 40, तो चुपचाप से लगाइए बड़ा m into v equal to छोटा m into u। और ये जो गन है, अगर हम अपनी गन को देखें तो गन हमारी लिखी हुई है 100 किलोग्राम की और बॉल लिखी है 1 किलोग्राम की, गन लिखी हुई है 100 किलोग्राम की, वी का पता नहीं, ये लिखा हुआ है 1 का और ये है 40, तो वी की वैल्यू आ गई बेटा 40 बटे 100, 1 गया तो आया 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी। दो चैप्टर को क्लब किया, बड़ा सवाल बना दिया, आगे देखें। कह रहा है मर्करी ड्रॉप्स हैं 0.1 रेडियस की और 0.2 रेडियस की, वो कोलैप्स हो जाती है एक सिंगल ड्रॉप में, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो इसको मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास r रेडियस और 2r रेडियस के दो स्फीयर्स हैं और ये आपस में मिल जाते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होता है समझना। जो एनर्जी सरफेस की रिलीज हो रही है वो सरफेस टेंशन इनटू जितना एरिया में परिवर्तन आया उसके बराबर होगा। एरिया में कितना परिवर्तन आएगा ये लिख ले बस, और कुछ खास नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर, ये टोटल एरिया मेरा पहले था, तो हम इसे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 4, तो ये बन गया बेटा 5 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे हिसाब से नहीं, तो दिस वाज 20 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा टोटल इनिशियल एरिया था, ठीक, दोनों कोलिज हो जाती 4 by 3 pi r cube plus 4 by 3 pi 2 r का होल क्यूब, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम, तो मैं लिख रहा हूं 4 by 3 pi r cube plus 4 by 3 pi r cube into 8, ये 1 है और ये 8 है, तो ये बन गया 9 into 4 by 3 pi r cube, ये मेरा वॉल्यूम बन गया इनिशियल और यही मेरा फाइनल वॉल्यूम भी होगा, तो हम लिख देंगे इसमें 4 by 3 pi r prime का क्यूब, तो 4 by 3 pi 4 by 3 pi कट गया, r prime का क्यूब बन गया बेटा 9 r क्यूब, तो अगर हम इसे r prime लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 9 into r, ये मेरी रेडियस है और अब का जो एरिया है वो है 4 pi r prime का स्क्वायर, नया एरिया a फाइनल, तो जितना चेंज इन एरिया आया वो कितना है, चेंज इन एरिया देखोगे तो लिखोगे 20 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर प्राइम का स्क्वायर, आर प्राइम का मतलब कितना है बेटा, आर प्राइम का मतलब है हमारे पास 9 की पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर इनटू आर का स्क्वायर, ये बन गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन और अंदर बचेगा बेटा 20, यहां बचेगा बेटा 4 into 9 की पावर 2 by 3, ये डेल्टा a है,
रेडियस बेटा मिलीमीटर्स में दे रखी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, डेल्टा है मुझे पता है, सरफेस टेंशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी का आंसर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला, इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, द टू इंडिविजुअल वेव फंक्शंस y1 y2 आर गिवन एज दिस, फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। आप देखिए a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप फंक्शन बना हुआ है, आप इसे जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने पर जो इसका आंसर वाईनेट का आया करता था अगर आपको याद हो तो वाईनेट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 5 यानी 2a, अगर कुछ थोड़ा बहुत याद है तो 2a, चलो एक तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद कराते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे तुमने लिखा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये फॉर्मूला क्या बनता था याद करो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये तो बनेगा। अब देखना बेटा 2 लिखा ठीक है, और a तो बाहर था ही था, फिर हम लोगों ने लिखा यहां पर साइन c है 4x माइनस t और d है 4x प्लस t डिवाइडेड बाय 2, यहां पर बन रहा है बेटा cos और फिर है c 4x माइनस t और d 4x प्लस t डिवाइडेड बाय 2, 4x से 4x कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये बन जाएगा 10 साइन 4x और यहां बन जाएगा 2t का मतलब तो t ही बन गया, cos t only nothing special, हमारे पास फंक्शन साइन का बनकर आ रहा है ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे बातें पूछ रहा है, ये है इसका एम्पलीट्यूड, जैसे ही तुम इसके एम्पलीट्यूड a0 पर पहुंचे तुमने कहा 10 साइन 4x एम्पलीट्यूड है, 10 sin 4 x का मतलब कितना बोला है 2 सेंटीमीटर, तो वे 2 लिख लिया तुमने यहां पर, अब क्या होगा, बाकी सब कुछ मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर्स में दिया है, जिसमें भी दिया 10 sin अंदर लिखा हुआ है 8, अब ये प्रॉब्लम की बात है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे होगा, इसमें तो पाई वाई कुछ लिखा ही नहीं क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है a sin kx और ये लिखा हुआ है ओमेगा t माइनस kx, ऐसा ही तो कुछ लिखा है, जवाब है ऐसे ही लिखा, तो यार इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो बड़ा मुश्किल हो गया, या तो पाई आ ही नहीं रहा तो सॉल्व कैसे करोगे इसे, तो ध्यान दो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसको ले जाओ इसके अंदर, लिखा हुआ है a नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 sin 8 और ये सेंटीमीटर में है, तो डिवाइड लगाओगे तो बेटा ये आ जाएगा 10 sin 0.08 मीटर्स में, ठीक है ना, तभी ये रेडियन में बेसिकली आंसर आएगा तुम्हारा, जब ये चीज बन गई बेटा आपकी रेडियन में तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस विद कैलकुलेटर, और कोई ऑप्शन नहीं, इसको यहां पर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा तरीका भी है मैं बोलना नहीं चाहता उस पे, इसको जाने देते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू आप प्लॉट कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर एम्पलीट्यूड। चलो आगे देखो, बेसिकली इसे पाई में कन्वर्ट कर लो ना, पाई बाय 180 करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, कहां थे हम लोग, हो गया ये, चलो देखो इसे इग्नोर करते हैं और इग्नोर क्या करते हैं, बेसिकली उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, वरना वैल्यू पेपर में लिखकर मिलेगी, नथिंग स्पेशल, पढ़ लो। देखो क्या कह रहा है, 10 किलोवाट की एक ड्रिलिंग मशीन है, उसे एक एल्युमिनियम के ब्लॉक को ड्रिल करने के लिए यूज किया जा रहा है, ब्लॉक का मास 8 किलोग्राम है, इसमें 2.5 मिनट में कितना ब्लॉक के टेंपरेचर में राइज हो जाएगा अगर 50% पावर जो है वो ड्रिलिंग मशीन की वेस्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टेम्परेचर का चेंज पूछा, तुम जानते हो कि Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिखा जाता है, डेल्टा टी का मतलब होगा Q बाय एम इंटू सी,
और Q का मतलब होता है इफेक्टिव पावर या यूजफुल पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय M इनटू C। देखो क्या कह रहा है, 10 किलोवाट की पावर है, 10 किलोवाट का मतलब 10 इनटू 10 रेज टू 3 वाट, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड हो गया, 2.5 मिनट का टाइम दिया है और इसकी आधी पावर यूजफुल है, अगर 50% पावर इज यूजफुल तो हम इसको काटेंगे तो लिखेंगे ये, तो 5000 इनटू 2.5 मिनट और 2.5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम दिया हुआ है 8 और 8 की बजाय अब इसे करना चाहिए 8000 ग्राम में लिख लेते हैं इस किलोग्राम को, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम पर केल्विन में दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखें, यहां ग्राम लिखा है तो यहां किलोग्राम नहीं ले सकते, तो 8000 ग्राम कर लिया, 0.9 निकाल लिया और ये आ गया आपका डिग्री सेल्सियस में, सुंदर सा आंसर, दिस इज योर डेल्टा टी, इतना टेंपरेचर में चेंज फाइनल आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आंसर। देखो अगला सवाल क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन रिलीज्ड द सिस्टम एज शोन इन फिगर, एक ये सवाल है और एक सवाल बेटा ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो टाइम पीरियड का सवाल तो हमने अभी SHM खत्म किया, रिसेंटली खत्म किया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको ग्रेविटेशन जो बहुत पहले खत्म हुआ था उसका क्वेश्चन बताऊं। एक टनल है अर्थ में कर दी गई है और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसको टनल में किसी ब्लॉक को फेंकने पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, प्रूव करो। तो हम अर्थ ले लेते हैं सबसे पहले, अर्थ बनाओ यहां पर और अर्थ को में यहां पर एक किसी तरह का टनल कर दो, तो ये रहा आपका टनल, ठीक। अब इस टनल को देखो, हम यहां अर्थ के सेंटर पर हैं, हमारा ब्लॉक मान लो यहां पर है एम मास का, तो लॉजिकली अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और इस रेडियस को हम मान लेते हैं कि आर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात जवाब नहीं, ठीक। यस, ये रेडियस और अभी जो हम हैं वो यहां से अगर इसका एंगल थीटा मान ले तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पर जो फोर्स काम कर रही है वो है बेटा m into g, g जो भी हो बदलता रहेगा बेसिकली, और अगर r रेडियस है तो हम सब जानते हैं कि g की वैल्यू क्या होने वाली, देखो g का मतलब होगा 4/3 pi r cube into rho, देखो ये वॉल्यूम की डेंसिटी मास बन गया, उसके बाद लिखेंगे g, g m e upon r square, ये होती है हमारी ग्रेविटी, तो g की वैल्यू बन गई बेटा 4/3 pi rho g into r, ये हमारा फोर्स होगा, ये फोर्स, ये g, हम पर लगने वाला ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो होगा m into g, m की वैल्यू m रहने दो, g की वैल्यू देखोगे तो लिखा हुआ है 4/3 pi rho g into r, ये बना हुआ है, लेकिन अगर तुम f net देखोगे तो normal reaction इस net force के किसी component को balance करेगा, सिर्फ cos theta वाला component रह जाएगा, तो f g into cos theta ये हमारे ऊपर लगने वाला net force है। F G क्या लिखा हुआ है? M into 4/3 pi rho g into r into cos theta। अब बेटा अगर आप cos theta को देखें, तो base upon hypotenuse सोचना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि M into 4/3 pi rho g into r into x upon r। Radius से radius cancel होती है। हमारे पास जो है, वो सिर्फ constant quantity बचती है, earth की density और gravity की value, जो कुछ भी है, वो सब सिंपल जी, सॉरी रो था, ये रो के बाद जी कहां से आ गया, रो इनटू कैपिटल जी होना चाहिए था ना, कैपिटल जी छोटे स्मॉल जी ले लिया मैंने गलती से, तो यहां पर ये कैपिटल जी है, हर जगह पे कैपिटल जी, कैपिटल जी ऐसे, ठीक, रो इनटू कैपिटल जी इनटू एक्स। तुम देखोगे कि बेटा ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है और तुम्हारा जो फोर्स है वो इन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स आ रहा है, और जब भी कभी फोर्स इस प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए तो आप कहते हैं कि वो SHM है बेटा, ऑप्शन एकदम सिंपल सी बात, तो ये आपने प्रूव कर लिया कि SHM हो रहा है, ठीक है मेरी बात। अगले पे आओ, देखो क्या कह रहा है, टनल डर लिया हम लोगों ने और बस यहां पे खेल खत्म, मैं दूसरा क्वेश्चन जानबूझ के बताने नहीं जा रहा हूं, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, कारण ये है कि हम लोगों को दोनों में से एक ही क्वेश्चन करने हैं और SHM वाले सवाल जो हैं ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले वो हम बहुत बार कर चुके हैं अभी रिसेंटली किए, तो मैं इसको स्किप जानबूझ के किया इसलिए आपको ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बताया। नाउ द सेक्शन इज ओवर, इसके बाद हमें और काम नहीं करना है, सैंपल पेपर ओवर होता है।
जो क्वेश्चन था हमने निपटा दिया। और आरटी एकेडमी पर इसी तरह के और सैंपल पेपर्स देखने के लिए, पेपर का अप्रोच देखने के लिए हमारी टीम को फॉलो करते रहिए, चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द कोई नए टॉपिक लेकर। टिल देन।